हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्जी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो पालक का यूज किया है। पालक को अच्छे से साफ करके काट के धो लिया है। पालक कम से कम 2-3 पानी से धो उसको हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए मैंने अभी पानी का यूज नहीं किया है क्योंकि पालक का पहले से मॉइस्चर होता है तो पानी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका सॉफ्ट होने तक बॉयल करेंगे। उसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च और धनिया पत्ता लिया। इन सबका ही बाद में मैं पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें जो पनीर है उसको फ्राई करूंगी। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो पनीर लिया है और इसको मैंने पीस में कट कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। पनीर को फ्राई करना ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग पनीर को फ्राई भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसी तरह हम सब पनीर को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। फिर उसी तेल में मैंने 2 तेज पत्ता डाला है और इसको मैं थोड़ा सा भून लूंगी। जब तेज पत्ते में थोड़ा कलर आ जाएगा तब मैं वहाँ पे 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 खड़ा लाल मिर्चा डाला है। जब इसमें थोड़ा सा कलर आ जाएगा लाल मिर्चे में तब मैं यहाँ पे 1 चुटकी जीरा ऐड करूंगी। जब जीरा थोड़ा चिटक जाएगा तो मैं यहाँ पे हींग ऐड करूंगी 1 चुटकी। यहाँ पे मैंने 2 प्याज 4 हरी मिर्च लहसुन की कलियां और अदरक लिया है। इन सबको मैं बारीक कूट लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लहसुन और जो अदरक का कूटी थी उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगी। यदि थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो जाएगा तो मैं यहाँ पे जो कटी हुई प्याज है उसको ऐड करूंगी। इन सबको मैं थोड़ा सा गोल्डन होने तक भून लूंगी। जब प्याज गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिया है, इसको मैंने काट लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो प्याज है थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो चुका है तो मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर दूंगी। और टमाटर को गलाने के लिए मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ जिससे जो टमाटर थोड़ा गल जाए। मैंने यहाँ पे पालक का जो पेस्ट बना लिया है और जो हरी मिर्च और धनिया था उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे ये जो टमाटर है वो गल चुका है, अब इसे थोड़ा सा और गलाना है। तब तक मैं यहाँ पे 1 चम्मच मेथी ले रही हूँ और उसको मैं रोस्ट करूँ। मेथी रोस्ट करना है। यहाँ पे देखिए जो टमाटर है वो गल चुका है वहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच जीरा मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच चिकन मसाला है, सब कुछ डाल दिया यहाँ पे मैंने मसाला। उसके बाद जो कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट किया है यहाँ पे हाथों से लगा के इसमें ऐड कर दूंगी और इन सबको मैं थोड़ी देर तक भूनना है। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर दूंगी और इसको भी मैं थोड़ी देर तक भूनूंगी इसी तरह। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मलाई ली हूँ, ये घर की मलाई है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको भी थोड़ी देर तक मैं इसको भून लूंगी इसमें। देखिए मलाई डालने से कितना अच्छे इसमें कलर आ गया है। देखिए जो मसाला हमने डाला था उसमें वो तेल छोड़ने लगा है। जब मसाला तेल छोड़ दे तो हम उसमें जो पनीर फ्राई किए थे उसको ऐड कर देंगे और इन सबको पनीर के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो पालक का पेस्ट बनाया था अब हम उसको ऐड करेंगे और इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसी में। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब इन सबको थोड़ा सा भून के उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी ऐड किया है और इसको हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद हम लो फ्लेम पे इसको हम वैसे ही पका लेंगे। अब जो हमारी पनीर की सब्जी है वो अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे। उसके बाद देखिए अब हमारी जो पनीर सब्जी है वो अच्छे से पक चुकी है और इसको सर्व करेंगे। सो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।